दोस्तों, जब भी हम अपनी बाइक की सर्विस कराने के लिए जाते हैं तो हमारी बाइक की सर्विसिंग में हमें एयर फिल्टर का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि एयर फिल्टर हमारी बाइक में यूज होने वाला एक ऐसा कंपोनेंट है जो हमारी बाइक के परफॉर्मेंस पर बहुत ज़्यादा फर्क डालने वाला है। देखिए, इस बाइक की हम सर्विस कर रहे थे और आपको एयर फिल्टर की हालत दिखाऊंगा, तो ये एयर फिल्टर बहुत ज़्यादा चौक हो चुका है। कस्टमर की शिकायत थी कि बाइक हमारी मिसिंग करती है और एक स्टेबल आरपीएम पर झटके गाड़ी दे रही थी, तो उसका एक बड़ा रीजन आपके एयर फिल्टर का चोक होना भी हो सकता है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप अपनी बाइक में एयर फिल्टर के वर्किंग को समझिए कि एयर फिल्टर काम कैसे करता है और क्या इसकी वजह से दिक्कतें हमारी बाइक में आ सकती हैं। देखिए, एयर फिल्टर हमारी बाइक में ये मानिए कि इंजन के अंदर जो एयर जानी है, फ्यूल को बर्न होने के लिए जो हमारी एयर की जरूरत है उसको क्लीन करके हमारे इंजन के अंदर इंजेक्ट कराएगा। अगर हमारा एयर फिल्टर गंदा है तो उसकी वजह से होगा क्या कि एयर का रेशो घट जाएगा। एयर का रेशो घटने पर हमारा माइलेज घट जाएगा, हमारी बाइक का परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा, हो सकता है पिकअप में दिक्कत आए, हो सकता है बाइक मिसिंग करे। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी बाइक का एयर फिल्टर क्लीन हो, क्योंकि उसके क्लीन होने से हमारी बाइक में एयर का जो रेशो है वो पूरा जाएगा, बाइक का पिकअप अच्छा आएगा, बाइक एवरेज भी अच्छा देगी। अच्छा, कुछ लोगों का मानना ये है कि भाई साहब, हमारी बाइक का तो एयर फिल्टर बहुत जल्दी चौक हो जाता है और इसमें कुछ ऐसा फिल्टर डाल दो कि वो फिल्टर बहुत दिनों तक तो खराब ही ना हो। तो उन लोगों को मैं ये सलाह दूंगा कि एयर फिल्टर का चोक होना आपके एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है कि कैसे एनवायरनमेंट में आप बाइक चला रहे हैं। अगर एयर फिल्टर आपका जल्दी जल्दी चोक हो रहा है तो इसमें फिल्टर की कोई भी गलती नहीं है। जितनी अच्छी क्वालिटी का फिल्टर होगा वो उतनी जल्दी खराब होने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वो माइनर से माइनर डस्ट को भी रोक सकता है। अगर हम हल्की क्वालिटी का फिल्टर यूज करेंगे, जैसे कई बार कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो फिल्टर के चोक होने के डर से एक हल्की क्वालिटी का फिल्टर यूज कर लेते हैं कि हमारा फिल्टर जल्दी खराब ना हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारी डस्ट है वो बाईपास होके अंदर इंजन को जानी शुरू हो जाती है, जिससे हमारे इंजन में बहुत आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। पिस्टन हमारा डाउन हो सकता है और कई बार कार्बोरेटर चोक हो जाएगा या थ्रोटल बॉडी गंदी हो जाएगी। देखिए, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि हम जो भी एयर फिल्टर अपनी बाइक में यूज कर रहे हैं वो एक ओरिजिनल एयर फिल्टर हो, क्योंकि जो हमारे हल्के या लोकल एयर फिल्टर आते हैं उसमें हमारी डस्ट जो है वो बाईपास होने के चांसेस हैं। डस्ट हमारी फिल्टर को बाईपास करके अंदर इंजन में इंजेक्ट हो सकती है, जिससे हमारे इंजन में नुकसान हो सकते हैं। तो ओरिजिनल एयर फिल्टर में पेपर हमारा हल्का ऑयल डिप आएगा, जिससे माइनर से माइनर डस्ट को भी रोका जा सके, और इसमें पॉसिबिलिटी रहती है कि यह थोड़ा जल्दी चोक हो जाए। लेकिन आप इस चीज से इंश्योर रहिए कि अगर ये जल्दी चोक हो रहा है मतलब आपकी इफिशियंसी इसकी फिल्टर की ज्यादा है और इंजन को भी अच्छा प्योर रखेगा। अंदर जो एयर जाएगी वो आपकी साफ होने के बाद ही जाएगी। तो आप कोशिश करें कि एयर फिल्टर को आप ओरिजिनल ही इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके पेपर की क्वालिटी बहुत अच्छी आती है और इसका पेपर इतना इफिशियंसी इतनी बढ़िया है इसकी कि ये माइनर से माइनर डस्ट को भी रोक सकता है और हमारे इंजन को आगे नुकसान होने से बचा सकता है। तो इस वीडियो के थ्रू यही मैसेज देना चाहूंगा कि सर्विस के समय अपने एयर फिल्टर का खास ख्याल रखें। अगर आपका एयर फिल्टर चोक हुआ है उसको टाइमली चेंज कराते रहे और ओरिजिनल एयर फिल्टर को आप यूज करें तो आपके इंजन की एक बहुत अच्छी लाइफ आएगी, बहुत अच्छा आपकी बाइक परफॉर्म करेगी और मिसिंग, पिकअप, इस तरह की दिक्कतों से आप बच सकते हैं।